जीवन को जीने से पहले जान दो रे, जान दो रे। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो पहचान साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ केवल सबका पेशा चलना है, यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, प्रतिशोध प्रतिशोध प्रतिशोध। अमर कृष्णकांत की कार में कोकेन का पैकेट रखकर सामंत को फोन करता है। अस्पताल में विक्रम बलराज को अमर ने विशु को लिखा खत दिखाता है जिसमें उसने अपनी मां का जिक्र किया है। इससे सिर्फ एक ही चीज साबित होती है, या तो वो विशु से झूठ कह रहा था या उसने हमसे झूठ कहा है। मैंने उसने विशु से ही झूठ कहा था। मैंने पता लगा लिया है, वाकई उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। विक्रम को फोन पर कृष्णकांत की गाड़ी में ड्रग्स मिलने की खबर मिलती है। क्या? ठीक है, मैं आता हूं अभी। बलराज कृष्णकांत के घर जाता है पर सामंत को उन्हें गिरफ्तार करने से नहीं रोक पाता। ये किसने किस इरादे से काम किया है ये ढूंढना हमारा काम है। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। विक्रम अश्विनी को घर ले आता है। विक्रम ने अपनी बच्ची के लिए सजाया हुआ कमरा देखकर अश्विनी दंग रह जाती है। विक्रम, ये सब तुमने किया है? अरे मेरा बस चलता तो मैं सितारे तोड़ लाता। रघुनाथ और अमर कृष्णकांत के गिरफ्तार होने पर बहुत खुश हैं। क्यों सेठ, इतने खुश तो आप उस वक्त भी नहीं हुए थे जब आप बाप बने थे हैं? अगर कृष्णकांत की हालत तुमने देख ली होती ना तो तुम्हारा भी यही हाल हो जाता। हमारे कानून में जो कमजोरियां हैं वही गुनहगारों को बाहर निकलने के दरवाजे खोल देती है। वैसे विक्रम जी, हमें आप जैसे लोगों से मदद की अपेक्षा रहती है, लेकिन इस तरह गुनहगारों को पनाह देके आप भी कानून के दुश्मन बन जाते हैं। मैं गुनहगार नहीं हूं। देखिए आप, एक मिनट कृष्णकांत जी, आप घर जाइए। देखिए सामंत साहब, कृष्णकांत जी किस मिट्टी के बने हैं ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये काम उनका हो ही नहीं सकता। काम किसी का भी हो विक्रम जी, देखिए मैं आपको बताता हूं, कुछ ही दिन पहले इस शहर में एक बहुत बड़ा ड्रग डील हुआ है। करोड़ों रुपयों का गर्द एक्सपोर्ट किया गया है और आज उसी तरह का एक पैकेट कृष्णकांत जी की कार में मिला है। देखिए हमारे तहकीकात की यह पहली सीढ़ी है। अगर आपकी नजर में यह साजिश है तो हम भी जानना चाहते हैं कि यह किसकी साजिश है। सामंत साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कृष्णकांत जी और रघुनाथ आपके सबसे पहले सस्पेक्ट्स थे। मेरे पिताजी के साथ जो कुछ हुआ उसी के बाद यह सिलसिला शुरू हुआ, मगर आज रघुनाथ और कृष्णकांत जी दोनों अलग हो चुके हैं। अगर हमें रघुनाथ की डिटेल्स चाहिए तो हमें कृष्णकांत जी को यह एहसास दिलाना होगा कि हम उनके साथ हैं। उन्हें यह महसूस कराना होगा कि वो महफूज हैं। उन्हें अपना बनाना होगा। हो सकता है उसके बाद कृष्णकांत जी रघुनाथ की सारी काली करतूतों की डिटेल्स हमारे सामने रख दें। यही तो प्रॉब्लम है आपके साथ विक्रम जी। सच्चाई जानने के आपके इस तरीके ने मेरे एक नहीं दो दो सस्पेक्ट्स को आपके घर में पनाह दे रखी है। तो हाँ, ये दूसरा कौन है? अमर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं यहां कृष्णकांत जी की जमानत देने आया हूं, और फिर अमर के बारे में जो कुछ मुझे कहना था मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। आई नो मिस्टर विक्रम, आप कह चुके हैं और मैं सुन भी चुका हूं। क्या कहा था आपने?
आपकी लाडली बहन विशाखा को अमर बहुत चाहता था। आप तो उन दोनों की शादी भी करवाने वाले थे, यही कहा था ना आपने। आज मैं आपसे पूछता हूं, आपकी लाडली बहन विशाखा पर अस्पताल में जो पहला हमला हुआ, तब वो किसके साथ यहां आई थी? कौन था उसके साथ? अमर। अबे तुम ही हो जो भरोसे के काबिल बचे। अपनी बहन के कहने पर मैंने तुम पे विश्वास किया। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, इट्स ओके। आई एम सो सॉरी। अरे कूल बाबा, डर तो नहीं हो रहा है ना? कूल कूल। उसके बाद नकाबपोश ने आपकी बहन पर दूसरा हमला किया हॉस्टल में। उस वक्त उसके पास कौन था? बॉयज हॉस्टल में रहने वाला अमर। उसके बाद नकाबपोश मारा गया। उस महेश की गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला गया। विशाखा ना चिल्लाई थी ना चीखी थी, फिर भी उसकी मदद करने के लिए वहां कौन पहुंचा था? अमर। वो मारा गया ब्रदर, वो नकाबपोश। व्हाट? कब? कैसे? कहां? अभी कुछ घंटों पहले यहाँ हॉस्टल में आया था। हॉस्टल में? हाँ, यहाँ मेरे कमरे में घुस आया था। अमर ने वक्त पर पहुंचकर मेरी जान बचाई ब्रदर। किशन की मौत भी उसी तरह हुई जिस तरह महेश मरा था। उस वक्त भी अमर इसी शहर में था। उसके बाद विशाखा पर जो गोली चलाई गई वो गोली, और आप पर कोर्ट में जो गोली चलाई गई थी वो गोली, दोनों गोलियां एक ही पिस्तौल से चलाई गई थी। आप पर कोर्ट में किसने गोली चलाई थी? नकाबपोश ने। और जब विशाखा पर गोली चलाई गई तब उसके साथ कौन था? अमर। विशु, विशु, विशु जी, विशु नहीं, विशु नहीं, विशु नहीं। हाँ, अमर, अमर और सिर्फ अमर। हर जगह सिर्फ अमर था मिस्टर विक्रम, और आपने उसे अपने घर में पनाह दे रखी है, अपना समझकर अपने गले से लगा रखा है। लेकिन मेरी नजर में वो सिर्फ एक गुनहगार है, समझ रहे हैं आप? अशोक, सोई नहीं अभी तक? कहाँ से आ रहे हो तुम? घर से आ रहा हूँ। क्या बात है अशोक? कुछ नहीं, इंतजार हो रहा है। किसका? और किसका? विक्रम का। था घर पर अपने कमरे में, बेचैन सा घूमता रहा, फिर बाहर चला गया। खाना भी नहीं खाया उसने। क्या हुआ? नहीं बस, मैं भी सोच रहा था कहाँ गया होगा। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? अशु, बात यह है कि अमर, अमर क्या हुआ अमर को? अशु, विक्रम को शक हो गया है कि अमर गलत आदमी है। बल्लू, तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमर अच्छा इंसान नहीं है। विक्रम इतनी रात गए, पता नहीं कहीं गया हुआ है, कहाँ गया हुआ है। तुम साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? बात यह है अशु कि विक्रम को एक खत मिला है अमर का, जो उसने विशु को लिखा था, जिसमें उसने अपनी माँ के बारे में लिखा है। और उसने तो विक्रम को बताया था कि उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, वो बिल्कुल अकेला है। हाँ, तो विक्रम ने बात की उससे?
नहीं, डरता है वो। वो अमर को विश्व की आखिरी निशानी मानता है। वो उसे दुख नहीं दे सकता। बल्लू, इतना सब कुछ हो गया और उसने मुझे बताया तक नहीं। तुम उस वक्त अस्पताल में थी यार, और फिर उसे मौका ही नहीं मिला होगा। अब मुझे नहीं लगता वो सब ये तुम्हें बताता भी। अब तुम इस बात को लेके परेशान मत होना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बल्लू, बल्लू ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसे हम अपना कह सके, जिस पर विश्वास रख सके हम। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए तो विक्रम भी उलझन में फंसा है। पता कर गया तुम्हें कहां जा रहा है? नहीं, लेकिन गया तो होगा, यही उलझन सुलझाने। साहब, ये विक्रम साहब के फैक्ट्री में काम करता है, ये बोल इनाम मिलेगा। वो आज दिन के टाइम में हमने एक आदमी को पार्किंग में देखा साहब, और ये साहब बोला कि किसी की गाड़ी से सफेद पाउडर का पैकेट मिला है, और वो गाड़ी पार्किंग में खड़ा था। हमने सोचा कुछ मदद होगा साहब। कहाँ मिला ये? साहब, चीना के अड्डे पर शराब पी रहा था। कौन था वो आदमी? वो आदमी हमेशा मालिक के साथ रहता है साहब, और फैक्ट्री के आगे जो घर है वहां पर रहता है। मुझे वहां ले चलना। भोसले, जीप निकालना। आप, ओह, मैं तो घबरा ही गया था। मैं समझा कोई। आप कब आए? आपको ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं, विशु ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा था, लेकिन वो तुम्हें दे नहीं पाई। शायद याद नहीं रहा होगा। आज मेरी नजर पड़ी उस पर, सोचा तुम्हें देता चलूं। बहुत खुश नजर आ रहे हो तुम। तो विशु का तोहफा है वो, देखने के लिए मन बेचैन हो रहा है भैया। क्यों ना हो, प्यार का तोहफा जो है वो। मैंने तुम्हारे तकिए के नीचे रखा है, देख लो। अच्छा है ना? विशु ने भेजा है ये तुम्हारे लिए, क्योंकि उसे बहुत प्यार और बहुत भरोसा था अपने अमर। इन्हीं कपड़ों में कई बार तुम उससे मिले, और ये खत जो तुमने विशु को लिखा, इसमें तुमने अपनी मां का जिक्र किया है, और
तुमने तो मुझसे कहा कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा अमर? क्यों किया? मैं आपको समझाता हूँ भैया। भैया मुझे माफ, भैया। हाँ, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था, जिसके लिए मुझे कीमत मिली थी। तुम्हारी बहन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी थी, और उस कमजोरी को हासिल करने के लिए मैंने विशु के साथ प्यार का नाटक खेला। मैं उसे हासिल इसलिए करना चाहता था कि मैं तुम्हारे जज्बात के साथ खेलूं। मैं उसे प्यार थोड़ी ना करता था, और ना ही मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं विक्रम। तुमने सही पहचाना मुझे विक्रम कपूर, ये नकाबपोश मैं ही हूं जिसने तुम पर कई बार जानलेवा हमले किए। अरे वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, लेकिन आज नहीं। विशु को इस असलियत के बारे में पता चल गया था, इसलिए मुझे उसे मार डालना पड़ा। और आज तुम, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए कि क्योंकि तुम अपनी बहन से मिलने जा रहे हो। बाय बाय, हाँ टाटा। हाँ अच्छे हो तुम अमर। तुमने कई बार नकाब ओढ़ कर मुझ पर हमले किए, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मरते वक्त विशु की आंखों में तुम्हारा नाम था अमर, उस वक्त नहीं पढ़ पाया। तुमने अमर मेरा सिर्फ प्यार देखा है, आज विक्रम कपूर की ताकत भी आजमाओ। कानून को अपने हाथ में मत लो। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हो गया आप आ गए। अरे इसमें ये मुझे मार डालना चाहता है। अरे ये पागल हो गया है, बोलता है इसकी बहन को मैंने मारा। अरे इसके ले जाओ, इसे ले जाओ। सावन साहब, इसने अभी अभी अपने जुर्म का इकबाल किया है, इसने विश्व को मारा, ये नकाबपोश है। मैं नकाबपोश हूं, मैं लगा पोशू, मैंने ही विशु को मारा है, महेश को भी मैंने ही मारा है, किशन को भी मैंने मारा। इंस्पेक्टर साहब, सब सुन लिया ना तुमने? अब मेरे को लेके चलो, अरेस्ट में सरेंडर कराऊ मैं अपने आपको। विक्रम, मैं कानून की हिरासत में रहूंगा ना, मैं फूस रहूंगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अरे ये लोग काय के लिए, ये वर्दी काय के लिए? हम लोगों को बचाने के लिए। हम लोग ऐसे ही गुनाह करते रहेंगे और ये लोग बचाते रहेंगे। यू डू योर ड्यूटी, लेके चलो मेरे को अरेस्ट में। टेक केयर अरेस्ट में। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं अमर, विक्रम कुछ करें ना करें,
लेकिन आज तुम देखोगे ये कानून क्या कर सकता है और ये वर्दी किस लिए बनी है। शूट हिम विक्रम। ये ऐसा नहीं कर सकता तू। अरेस्ट मी प्लीज। आई सेड शूट हिम। विक्रम तुम ऐसा नहीं कर सकते। वे विशु का दोस्त था ना। मुझे बड़ी बात, तू मुझे बड़ी बात कर। हाँ विशु, विशु बोलो, विशु, 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 विशु। विशु नहीं है, तुम हो मेरे मेरे छोटे भाई हो तुम। नहीं जाना। सर, इसने विक्रम पर जानलेवा हमला किया, इसलिए इनकी जान की हिफाजत के लिए मुझे गोलियां चलानी पड़ी। एम्बुलेंस मंगवा। ओके सर।